जो मुस्लिम इरा है या गोल्डन इरा है फार्मेसी का, उसकी हिस्ट्री देखने जा रहे हैं। आए हम स्टार्ट करते हैं जी। तो मुस्लिम की सिविलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? इनकी सिविलाइजेशन जो है वो स्टार्ट होती है जब होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो के लास्ट मैसेंजर हैं अल्लाह के, वो जब इस दुनिया में आए और उन्होंने अपनी अपनी तबलीग स्टार्ट की, तो उनको जो मानने वाले हैं, उनके जो फॉलोअर हैं होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जो मानने वाले हैं, उन्हें हम मुसलमान कहते हैं। तो जो लास्ट मैसेंजर हैं अल्लाह के, वो आए हैं जी 570 एडी के अंदर, और इनका जो लाइफ स्पैन है वो 570 से 632 एडी तक का लाइफ स्पैन है। इसके दौरान इन्होंने जो है वो अपनी तबलीग की और एक नई सिविलाइजेशन सामने लेके आए। इस सिविलाइजेशन में बहुत सारी खूबियां देखने को मिलती हैं। हम उन पूरी खूबियों को, पूरे जो उन्होंने काम किया, वो तो हम करेक्टराइज नहीं कर सकते, लेकिन हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ फार्मेसी के रिलेटेड लेके चलेंगे कि किस इरा के अंदर फार्मेसी का काम हुआ और किस जो है इरा ऐसा है जिसमें फार्मेसी का काम नहीं हुआ। तो ये जो सिविलाइजेशन हमारे सामने आई, जिन्होंने होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के लास्ट मैसेंजर हैं, इनको ओबे किया, इनकी तालीमात पर अमल किया, इनकी जो होली बुक है कुरान मजीद उनको पढ़ा, उनको समझा, हदीस मुबारका को समझा, और फिर आगे जिंदगी अपनी स्टार्ट की एक नस्ल दर नस्ल ये चलते हुए आज तक, यानी कि आज की दिन तक या आज की सदी के अंदर भी ये लोग मौजूद हैं और इनकी सिविलाइजेशन एक बड़े अच्छे तौर पे मौजूद है। एक्चुअली हुआ क्या, जब ये होली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की वफात हुई 632 एडी के अंदर, उसके बाद जो है वो दौरे खिलाफत स्टार्ट हो गए और मुख्तलिफ दौरे खिलाफत आए हैं। पहले जो दौरे खिलाफत आया वो जी खिलाफत राशिदा के नाम से जाना जाता है, जो 632 एडी से लेके 661 एडी तक है। उसके बाद नेक्स्ट जो दौरे खिलाफत है वो बनू उमैया का है, 661 एडी से लेके 750 एडी तक। उसके बाद खिलाफत अब्बासिया है, जो 750 से 1517 एडी तक। और उसके बाद हमारे पास है जी खिलाफत उस्मानिया 1517 एडी से लेके 1922 एडी तक इनका दौर रहा। उसके बाद जो है वो खिलाफत खत्म होगी। खिलाफत होती क्या है? खिलाफत का एक मुख्तसर सा तारुफ ये है, जैसे मुसलमानों के नबी वफात पा गए तो हुआ क्या, उन्होंने अपने अंदर से एक लीडर को चूज कर लिया कि आप हमें आगे का रास्ता दिखाएंगे। फिर जब वो खलीफा जो है वो वफात पा गया, फिर एक और बंदे को सिलेक्ट कर लिया गया, सबसे मुअज्जज़ और मोतबर बंदे को, कि आप हमें लीड करेंगे जंगों में भी, कोई हमें कानून सीखना होगा दीनी लिहाज से, सियासी लिहाज से कोई भी फैसले करने हैं तो आपने करने हैं। जैसे आज के सियासी लीडर्स होते हैं, मुख्तलिफ पार्टियां होती हैं, इसी तरह उस दौर में सिर्फ एक बंदा सिलेक्ट किया जाता था जो पूरी रियासत को चला रहा होता था, उसका सरबराह होता था। हाँ, आगे उसके मशीर, उसके जो है वो जैसे आज के दौर में वजीर आला और आगे जो है वो गवर्नर्स वगैरह होते हैं, उस वक्त भी गवर्नर्स मुख्तलिफ शहरों के तैनात किए जाते थे, लेकिन मेन अथॉरिटी एक ही बंदे के हाथ में होती थी और उसे हम खलीफा कहते थे। ये चारों जो खिलाफतें हैं मुसलमानों की, दौर जो है चार मुख्तलिफ, इनके अंदर भी मुख्तलिफ खलीफा रहे हैं। जैसे सबसे पहला खलीफा जो है वो हजरत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह तआला अन्हु, और सबसे आखिरी जो खलीफा है ये खिलाफत उस्मानिया के अंदर, वो है अब्दुल मजीद सानी। इसके बाद आज तक ना तो खिलाफत मौजूद है और ना ही कोई खलीफा इस वक्त तक मुकर्रर है। हुआ क्या, में से कौन सा दौर ऐसा है जहाँ फार्मेसी ने प्रोग्रेस की, जहाँ फार्मेसी ने ग्रोथ की? सबसे पहले तो दौर नबी है, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दौर। उसके अंदर तो सारी जो है वो एक बेसिक ट्रेनिंग की गई सिविलाइजेशन की, इखलाकी माशी लिहाज से, सूद के हवाले से, मुख्तलिफ हुक्म दिए गए नमाज पढ़ने के हवाले से, तो सारा दीनी व दुनियावी तलीम की तरफ ज्यादा फोकस की गई। उसके बाद खिलाफत राशिदा, उसके अंदर भी जंगो जदल जारी रहा, जहाद का एक जज्बा जारी रहा और मुख्तलिफ इलाकों को फतह करने की जो है वो जद्दोजहद जारी रही। इसीलिए जो ये सिविलाइजेशन है जो सिर्फ अरब में बनी थी, अरब से ये उठकर पूरी मिडल ईस्ट और अफ्रीका में पहुंची, स्पेन तक पहुंची, ईस्टर्न यूरोप तक जाकर पहुंची,
बनू उमैया, खिलाफत अब्बासिया और खिलाफत उस्मानिया में भी यही काम तो होते रहे, लेकिन सबसे जो अहम है खिलाफत अब्बासिया 750 एडी से लेकर 1517 एडी तक जो खिलाफत अब्बासिया, इसके अंदर जो है ना वो सबसे मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन मुसलमानों की मिलती है टू द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी को एज ए प्रोफेशन जो काम किया गया वो सिर्फ खिलाफत अब्बासिया के अंदर ऐसा काम है जो नॉमिनेट है, जो आज भी हिस्ट्री का हिस्सा है। बाकी सारी खिलाफतों के अंदर ज्यादातर कोशिश जंगो जदल की थी, ज्यादातर कोशिश ये थी कि उनके जो है इलाकों को फतह किया जाए और उन इलाकों के अंदर अमन कायम किया जाए, उन इलाकों के अंदर राशन पानी का जो है वो सारा सिस्टम को नाफिजुल अमल किया जाए। फिर मुसलमानों को देख के जो लोग मुसलमान हो जाते थे वो फिर मुस्लिम कम्युनिटी बन जाती थी। यानी मुसलमान बनाने में जबर नहीं था, लेकिन इलाके फतुहात जो लोग आगे से जो है वो रेजिस्ट करते थे उनके साथ जंग जरूर होती थी। लेकिन जो खिलाफत अब्बासिया इसके दौर में दूसरा जंगो जदल का भी मामला कायम रहा, लेकिन फार्मेसी की जो जो हिस्ट्री है मुसलमानों के हवाले से वो खिलाफत अब्बासिया में ही हमें सबसे ज्यादा मिलती है। आज भी हम जो सबसे ज्यादा साइंसदान पढ़ने जा रहे हैं तकरीबन सारे के सारे, कोई एक दो छोड़ के बाकी सारे के सारे जो है वो खिलाफत अब्बासिया के दौर के अंदर, यानी 750 एडी से लेके 1517 एडी के अंदर ही वो पनपे, उन्होंने अपनी जायदाद की, उन्होंने अपनी डिस्कवरीज की, तो हम डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले साइंसदान की तरफ चलते हैं, गोल्डन इरा ऑफ हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी पढ़ रहे हैं, एंशियंट इरा का ये एक छोटा सा पार्ट है, या दूसरा नाम आप इसे मुस्लिम कॉन्ट्रीब्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी आप ये भी कह सकते हैं। तो पहला साइंसदान सबसे पहले जो है वो हम पढ़ते हैं, जाबर बिन हयान। अब मैंने नाम लिखने में एक छोटी सी टेक्निक लगाई है, वो ये है कि जो बोल्ड नाम होगा ना, जो नाम का बोल्ड हिस्सा है ये सबसे ज्यादा मशहूर है, तो उस नाम को जो है मैंने बोल्ड कर दिया और उसका बाकी का जो नाम वो मैंने ब्रैकेट में कर दिया है। अब जाबर बिन हयान का अगर पूरा नाम आपने जानना है तो इसका पूरा नाम क्या होगा, अबू मूसा जाबर बिन हयान, और 721 में ये पैदा हुए और 815 एडी के अंदर इनकी वफात हो गई। उस वक्त के अपने टाइम के साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे और जियोलॉजिस्ट थे। ये ईरान के अंदर पैदा हुए और ये वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने केमिस्ट्री के अंदर एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट की। तो इनकी जो प्रैक्टिस जो थी केमिस्ट्री की, उसकी वजह से आज हम इंडस्ट्रियलाइजेशन दौर में जिंदा हैं। यानी आज की जो इंडस्ट्रियां हैं, केमिकल इंडस्ट्रियां जो हैं, वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियां, वो किस बेस पे हैं, जाबर बिन हयान की रिसर्च पे, और या इन जैसे जो दूसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने केमिस्ट्री में बहुत सारी डिस्कवरियां की, एक्सपेरिमेंटेशन के तरीके इजाद किए, डिफरेंट इक्विपमेंट बनाए, तो इन लोगों ने जब इतना बड़ा काम किया तो क्या हुआ, वक्त के साथ साथ हम एक इतने बड़े रेवोल्यूशन में आ गए कि आज का दौर जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर है। आज हम इंडस्ट्री के तौर पे जो है मेडिसिन भी बना रहे हैं, मुख्तलिफ केमिकल भी बना रहे हैं, इवन हम फूड भी इंडस्ट्री लेवल पे ले गए हैं, जैसे मिल्क हो गया या दूसरे। ये कैसे हुआ, ये उस वक्त के साइंसदानों ने जो बेसिक स्टेप्स लिए थे, जो बेसिक डिस्कवरीज की थी, जो जैसे अगर हम फूड में मिल्क की बात करें तो उस वक्त के साइंसदानों ने जो स्टरलाइजेशन का प्रोसेस ईजाद किया, तो उस वजह से आज फूड में मिल्क की जो फैक्ट्री है सारी की सारी स्टरलाइजेशन पे चल रही है। इस तरह दूसरी बहुत सी ईजादात की, केमिकल कंपाउंड की ईजादात की। तो इस तरह जाबर बिन हयान या अबू मूसा जाबर बिन हयान ने भी जो एक्सपेरिमेंटेशन की दूसरे साइंसदानों की तरह, ये भी जिसकी वजह से आज जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर के अंदर हम जिंदा हैं। जो वो पहला बंदा है जिसने गोल्ड का जो प्रोसेस, उसको प्योरीफाई करने का या खालिस बनाने का जो प्रोसेस है उसको डिस्क्राइब किया। जाबर बिन हयान के बारे में मजीद पढ़ते हैं, बहुत सारी कम्युनिटी जो है वो कम्युनिटी का यानी 90% हिस्सा फादर ऑफ केमिस्ट्री कहता है। क्यों, क्योंकि इसने बहुत सारे केमिकल डिस्कवर किए, जैसे एस्टिक एसिड इसी ने डिस्कवर किया, ऑक्सैलिक एसिड इसी ने डिस्कवर किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जाबर बिन हयान ने डिस्कवर किया, नाइट्रिक एसिड जाबर बिन हयान ने डिस्कवर किया, सल्फ्यूरिक एसिड जाबर बिन हयान ने डिस्कवर किया और बहुत सारे। इसके अलावा इसने एक्वा रिजिया बनाया, ऐसा सॉल्वेंट जो गोल्ड को डिसॉल्व करता है। इसके अलावा इसने बहुत सारी जो है वो रेसिपीज भी बनाई, जैसे स्टेन ग्लास कैसे बन सकते हैं और जो है वो ग्लास के ऊपर लस्टर पेंटिंग करनी है वो कैसे, ये सारे प्रोसेस इसी ने डिस्क्राइब किए। इसके अलावा अबू मूसा जाबर बिन हयान या जाबर बिन हयान ने 20 से ज्यादा लेबोरेटरी ऑपरेटर्स जो हैं इस वक्त लैब के अंदर जो इस्तेमाल होते हैं बेसिक ऑपरेटर्स इसी ने डिस्कवर किए हैं, जैसे डिस्टिलेशन का ऑपरेटर्स, और उसके अलावा बहुत सारे केमिकल प्रोसेस भी इसी ने डिस्कवर किए, प्योर डिस्टिलेशन, लिक्विफिकेशन, क्रिस्टलाइजेशन, फिल्ट्रेशन।
तो ये सारे के सारे प्रोसेस किसने पहली दफा दुनिया में डिस्कवर किए या जिसने डिस्क्राइब किए, वो है जाबर बिन हयान। इसलिए मैंने कहा ना कि इन लोगों की वजह से आज हम इंडस्ट्रियां बनाने के काबिल हैं, आज हम मैस प्रोडक्शन की तरफ चले गए हैं। अल कंदी या दूसरा नाम वेस्ट के अंदर इनका क्या है जी, अलकिंदस। तो अब जहां भी अलकिंदस को देखें तो आपको फौरन ज़हन में आना चाहिए कि ये मुसलमान साइंटिस्ट है अलकंदी। पूरा नाम की तरफ चलें, इनका पूरा नाम जो है वो अबू यूसुफ यकूब बिन इसाक अस-सबाह अलकंदी। ये अपने वक्त के बेहतरीन फिलोसोफर, बेहतरीन साइंसदान, बेहतरीन फिजिशियन और बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट थे। ये कूफा इराक के अंदर पैदा हुए और इन्होंने अपनी जो अर्ली, क्योंकि बगदाद उस वक्त जो है वो समझो आप, एक तो मुसलमानों के अंडर था, दूसरा एक नॉलेज का सेंटर था, किसी ने कुछ सीखना होता था वो बगदाद की तरफ रुख करता था। तो इन्होंने भी अपनी जो है वो अर्ली एजुकेशन बगदाद में हासिल की। बहुत सारी जो ब्रांचे हैं आज हम उन्हें अलग अलग ब्रांचे, अलग अलग बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री हम उन ब्रांचों में दे रहे हैं लोगों को। एक एक ब्रांच पे जो है वो हम वो क्या कहते हैं बैचलर और मास्टर डिग्री दे रहे हैं। वो सारी की सारी ब्रांचे, बहुत सारी ब्रांचे इसी एक बंदे अलकंदी के काम पे बनी है। जैसे कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आज एक अलग से ब्रांच है, एक पूरा डिपार्टमेंट इसका अलग से होता है। मेडिसिन जिसे फार्मेसी जो हम पढ़ रहे हैं, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का पूरा कोर्स मौजूद है, एक मास्टर डिग्री बैचलर डिग्री इस पे मौजूद है, पीएचडी तक आप कर सकते हैं। इसी तरह साइकोलॉजी एक अलग डिपार्टमेंट है आज के दौर के अंदर, इसके अंदर मास्टर और आगे जो है वो आप डिग्रियां कर सकते हैं। और कॉस्मेटिक्स जो कि एक अलग से डिपार्टमेंट बनना जा रहा है, क्या मेडिसिन के साथ साथ कॉस्मेटिक्स के भी अलग से कानून बने जा रहे हैं। तो क्या मतलब कि इतनी बड़ी बड़ी जो ब्रांचे हैं ये कहाँ से स्टार्ट हुई, ये अलकंदी के वर्क से स्टार्ट हुई, या बहुत सारा जो नॉलेज है जो उसकी बुनियादें हैं वो अबू यूसुफ यकूब बिन इसाक अल-सबाह अलकंदी के काम पे खड़ी हैं। इनको वर्क को देख लेते हैं। इन्होंने पहली दफा अल्कोहल को आइसोलेट करने का प्रोसेस बताया, कहाँ से, प्योर वाइन से अल्कोहल आप कैसे अलग कर सकते हैं। इसके अलावा परफ्यूम बनाने का तरीका पहली दफा अलकंदी ने बताया। आज कितने ब्रांड है परफ्यूम के, अगर ये उस वक्त डिस्कवर ना करते तो आज परफ्यूम के इतने ब्रांड ना होते। तो इसलिए हिस्ट्री को पढ़ना पड़ा है हमें, इसीलिए हिस्ट्री के अंदर, इसीलिए मेरा कहना यह है कि अगर हम हिस्ट्री को डिटेल से पढ़ लेना तो हमारा पूरा कोर्स कवर हो जाएगा, हमें पूरे कोर्स के अंदर एक इंटरेस्ट बिल्ड हो जाएगा कि हमारे इस कोर्स के अंदर क्या होने जा रहा है, क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आप हिस्ट्री गौर से पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे तो आपको पूरा कोर्स याद करना आसान हो जाएगा। और इसी तरह अलकंदी वो पहला पर्सन है जिसने म्यूजिक को इस्तेमाल किया साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। इसी तरह अलकंदी ने डिटेल के साथ कॉस्मेटिक्स फॉर्मुलेशंस, जो आज ब्यूटी क्रीम्स और दूसरी मेडिकेटेड अनमेडिकेटेड ब्यूटी क्रीम्स और लोशंस मौजूद है, लिनिमेंट्स और दूसरी डोजे फॉर्म में जो है वो कॉस्मेटिक्स मौजूद है, वो सीरम के अंदर मौजूद है, इसी तरह सारी की सारी जो है वो उसकी पहली दफा फॉर्मुलेशन अलकंदी ने पेश की। इनकी ही एक बुक है ट्रेडर्स ऑफ डिजीज कास्ट बाय फैलम। फैलम क्या होता है, फैलम होता है कि आप कह सकते हैं बलगम। तो इन्होंने कहा कि कौन कौन सी डिजीज जो है फैलम से हो सकती हैं, वो अपना जो इनका मेडिकल मकाला है उसके अंदर एपिलिप्सी के बारे में पहली दफा अलकंदी ने बात की। नेक्स्ट चलते हैं जी, 900 AD के अंदर फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी जो बनाई गई वो भी इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर बनाई गई। क्यों, क्योंकि आपको याद होगा कि जो अभी हम पढ़ के आए हैं सारे की सारा नॉलेज ट्रांसफर हुआ है सारी लैंग्वेज से अरबी के अंदर, और अब उसके अंदर वक्त के साथ साथ 700 AD से हमने शुरू किया, वक्त के साथ साथ जो है वो उसके अंदर मॉडिफिकेशन होती चली जा रही है, होती चली जा रही है, होती चली जा रही है। और 900 AD तक जब हम पहुंचे तो हमें एक ऐसी इमारत बनाने की जरूरत पड़ी जिसके अंदर वो हम सारा नॉलेज इकट्ठा रख सके। एक तो मौजूद थी हमारे पास पहले से जो सेंटर थे, लेकिन उसके अलावा पूरे शहरों के अंदर, दूर दूर शहरों के अंदर लाइब्रेरीज बनाने का कॉन्सेप्ट भी 900 AD के अंदर आया कि ताकि कोई भी आके वहां विजिट करे और अपना नॉलेज रिफ्रेश करे या कोई नई चीज सीख सके। तो इसी तरह पहली दफा जो कैटलॉग बनाया गया किसी भी लाइब्रेरी का, वो मुस्लिम लाइब्रेरीज ने ही इस बात को इन्वेंट किया कि ऐसे कैसे हम किताब को ढूंढ सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी किताब पढ़ी है। तो उसके लिए कैटालॉग भी सबसे पहले किसी मुसलमान ने ही मुस्लिम लाइब्रेरीज के लिए बनाया। बैरूनी
जिसका अगर आप पूरा नाम जानना चाहते हैं तो अल बेरूनी का पूरा नाम है अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल बेरूनी, और 1050 एडी के अंदर इनकी वफात हुई। ये अपने वक्त के बेहतरीन फार्मासिस्ट, तो मैंने आपको कहा अगर 900 एडी या 800 900 एडी के दरमियान जो है वो फिजिशियन और फार्मासिस्ट अलग अलग कर दिए गए थे कि भाई ये फार्मासिस्ट है ये फिजिशियन है। तो इस तरह ये उस वक्त के बेहतरीन फार्मासिस्ट भी थे और फिजिशियन भी थे, बायोलॉजिस्ट भी थे। और ये कहाँ पे पैदा हुए? ख्वारज्म, जो कि आजकल उज़्बेकिस्तान में वाक़ा है, ये वहां पे 973 एडी के अंदर पैदा हुए हैं। ये वो पहले पर्सन है हिस्ट्री के अंदर जिन्होंने एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के बारे में बात की कि यार जो आप ड्रग खाते हो, जो आप यानी कि किसी की आप रूट खा रहे हो, किसी का आप फूल खा रहे हो, किसी का फल इस्तेमाल कर रहे हो, किसी भी हर्ब का, तो क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? तो ये वो पहला पर्सन है अल बेरूनी जिसने कहा कि उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा इंग्रेडिएंट मौजूद है जिसकी वजह से वो ट्रीटमेंट हो रही है। और एपीआई के नाम से अगर हिस्ट्री के अंदर पहली दफा किसी ने बात की, डिटेल के साथ बात की, तो वो अल बेरूनी है। तो अगर एपीआई के बारे में आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो इसी चैनल पे दूसरी वीडियो अवेलेबल है, आप सर्च कर सकते हैं एपीआई बाय फार्मासिस्ट तैयब ऑफिशियल, तो आपको वीडियो सामने आ जाएगी डिटेल के साथ, जो इस वक्त की WHO की डेफिनेशन और दूसरी वर्ल्ड हेल्थ फोरम्स हैं उनकी डेफिनेशन एपीआई की वहां समझाई गई है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। लेकिन हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले बात अल बेरूनी ने की, और इनका जो वर्क है वो भी आज की फार्मेसी जहां फील्ड पहुंच चुकी है उसमें बहुत बड़ा हाथ है, इसीलिए इन्हें भी फादर ऑफ अरेबिक फार्मेसी कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारे मकाले लिखे हर्बल मेडिसिन पे, जो इनका सबसे मशहूर मकाला है, किताब है, उसका नाम है जी किताबुल सेदाला या बुक ऑफ ड्रग, आप इसे कह सकते हैं। इसके अंदर इन्होंने 720 हर्बल ड्रग्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दी, उसके जो है वो कौन सा पार्ट इस्तेमाल होता है, उसकी शक्ल क्या है, उसकी तस्वीरें बनाई उस पौधे की, उसके जो यूज होता पार्ट उसकी तस्वीर बनाई, उसको डिस्क्राइब किया किस मौसम में पैदा जो है वो ये पौधा ग्रो करता है, किस मौसम में आपने ग्रो नहीं करवाना, किस मौसम के अंदर इसके अंदर जो है वो एपीआई मैक्सिमम होता है, इस तरह की लातदाद इंफॉर्मेशन जो कि किसी भी फिजिशियन या फार्मासिस्ट को उस वक्त या इस वक्त हमारे वाले दौर में चाहिए है उस ड्रग को ह्यूमन यूज के लिए, वो सारी की सारी बातें 720 ड्रग्स के बारे में, हर्बल ड्रग्स के बारे में इन्होंने अपनी बुक के अंदर लिखा। अल बेरूनी ये वो पहले पर्सन है जिन्होंने रोल ऑफ फार्मेसी को डिस्क्राइब किया, किसी भी फार्मेसी स्टोर का क्या रोल है, जो है उन्होंने कैसे मेडिसिन फार्मेसी के अंदर स्टोर करनी है, और दूसरी क्या ड्यूटीज हैं एक कम्युनिटी फार्मेसी की, और इन्होंने फार्मासिस्ट की फंक्शन और ड्यूटीज भी पहली दफा हिस्ट्री के अंदर बताई। गजनी अफगानिस्तान के अंदर जो है अल बेरूनी की वफात हुई 1950 एडी के अंदर। इब्ने सीना दूसरा नाम इनका है जी, बू अली सीना, ये 980 एडी के अंदर पैदा हुए और 1037 एडी के अंदर इनकी वफात हुई। ये अपने वक्त के बेहतरीन फिजिशियन, केमिस्ट, फिलोसोफर, फार्मासिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट और एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने तकरीबन 450 मेडिकल मकाले लिखे मुख्तलिफ साइंटिफिक टॉपिक्स पे, जिनमें से 40 तो सिर्फ प्योर मेडिसिन पे लिखे गए। इनकी जो बुक है आज भी लोगों को दिमागों के अंदर ये बुक का नाम जिंदा है, वो है जी कैनन ऑफ मेडिसिन, यानी इब्ने सीना का जहाँ नाम आता है साथ में कैनन ऑफ मेडिसिन एज ए रेफरेंस के तौर पे लिखा जाता है कि ये वो शानदार बुक है। इसका दूसरा नाम किताबुल अल शिफा भी है, यानी द बुक ऑफ हीलिंग इसे कहते हैं, वाज ये भी एज ए टेक्स्ट बुक के तौर पे इस्तेमाल की गई 14वीं और 16वीं सदी के दौरान, यानी 14, 15, 16 जो सदियां थी, इसके अंदर ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के अंदर किताबुल शिफा या द कैनन ऑफ मेडिसिन एज ए टेक्स्ट बुक के तौर पे इस्तेमाल हुई। इसीलिए बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि ये इरा, ये गोल्डन इरा है जो मुस्लिम ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया, जो इन्होंने पहले से जो लोगों पर रिसर्च थी, किसी की रिसर्च का सर था, किसी रिसर्च का पांव था, उस रिसर्च को कंप्लीट किया, नए आइडियाज डिस्कवर किए और एक नया नॉलेज जो मुसलमानों ने पूरी दुनिया को दिया वो एज ए टेक्स्ट बुक के तौर पे इस्तेमाल होता रहा। जब ये टेक्स्ट बुक के लिए इस्तेमाल होता रहा तो आज की जो डिस्कवरीज हैं सारी की सारी इन्हीं के सर जाती हैं, उनका जो सिर है इन्हीं के, मुसलमान साइंटिस्टों के सर जाता है। क्लिनिकल ट्रायल की बात कर लें जो कि आज बड़े फेमस है, आप क्लिनिकल ट्रायल के बगैर कोई भी ड्रग अप्रूव करके मार्केट के अंदर आप दे नहीं सकते, पहले आपने क्लिनिकल ट्रायल देना है उसका फिर आप बेच सकते हैं। तो पहली दफा पहला मकाला जो क्लिनिकल ट्रायल पे लिखा गया वो इब्ने सीना ने लिखा, और इन्होंने एक जरिया, एक इंफॉर्मेशन, एक फाउंडेशन रखी
कि किस तरह आप सिस्टमैटिक अप्रोच के जरिए ड्रग को टेस्ट कर सकते हैं। अब आपको वर्क की अहमियत समझ आ रही है, क्यों गोल्डन ईरा कहा जा रहा है इसे। इन्हीं की बुक में से आपको बताता हूं कि इन्होंने क्लिनिकल ट्रायल के बारे में ना सिर्फ पहली दफा लिखा बल्कि उसके बारे में जो 7 कंडीशंस लगाई वो आज भी क्लिनिकल ट्रायल की कंडीशंस के अंदर काबिले इस्तेमाल है ना बल्कि काबिले तारीफ भी है। नंबर एक, इन्होंने कहा जी जिस ड्रग की आपने क्लिनिकल ट्रायल करना वो प्योर होनी चाहिए, उसके अंदर अडल्ट्रेशन नहीं है, उसके अंदर जो है वो खराब नहीं होनी चाहिए, वो उसके अंदर जो है वो कोई दूसरी चीज मिक्स नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर कोई इंग्रेडिएंट मौजूद नहीं होना चाहिए, तो ड्रग मस्ट बी प्योर। दूसरी कंडीशन इन्होंने कहा जी जो भी ड्रग आपने क्लिनिकल ट्रायल करने हैं उस ड्रग पे वो सिर्फ एक कंडीशन के लिए उस वक्त आप स्टडी कर सकते हैं। ड्रग मस्ट बी टेस्टेड इन कॉन्ट्राडिक्टरी डिजीज स्टेट आल्सो। इसके अलावा इन्होंने कहा जी कि स्ट्रेंथ ऑफ जो ड्रग है वो आपने मेजर करनी है प्रोपोर्शनेट टू सिवियरिटी ऑफ डिजीज, कि कितनी जो है डिजीज सिवियर हो तो आपने कितनी स्ट्रेंथ देनी है। ये नहीं कि एक ही स्ट्रेंथ आप फिक्स कर दें, लो जी 450 मिलीग्राम यही, चाहे बंदा जो है वो आखिरी स्टेज पे हो तब भी यही देनी पहली स्टेज पे, नहीं नहीं नहीं। इब्ने सीना ने कहा कि आपने सिवियरिटी ऑफ डिजीज की बुनियाद पे जो जो बीमारी की शिद्दत है उसकी बुनियाद पे आपने जो स्ट्रेंथ है उसको आपने कैलकुलेट भी करना है कि इस पहली फेज पे आपने कितनी स्ट्रेंथ देनी है, कितनी मिकदार देनी है, दूसरी तीसरी चौथी आखिरी स्टेज पे आपने उस पर्सन को कितनी स्ट्रेंथ मेडिसिन की कितनी अमाउंट देनी है वो भी आपने क्लिनिकल ट्रायल के अंदर ही फाइंड कर लेनी है। उसके अलावा उन्होंने कहा जी टाइम ऑफ थेरेप्यूटिक इफेक्ट भी आपने कंसिडर करना है कि कितने दिन लगे इस डिजीज से रिकवर होते हुए इस मेडिसिन को इस्तेमाल करते हुए। इसके अलावा उन्होंने अगली कंडीशन ये दी कि आपने कंटिन्यूस एक्शन भी देखना है, यानी कि हमने अगर 10-12 दिन दवाई दे रहे हैं तो पहले दिन से और 92 दिन वाला जो बॉडी का रिस्पॉन्स है वो डिफरेंट है, तो आपने कंटिन्यू स्टडी करनी है और ना सिर्फ कंटिन्यू स्टडी करनी है बल्कि जो कंटिन्यू एक्शंस हो रहे हैं ड्रग का बॉडी पे वो भी आपने साथ साथ स्टडी करने हैं क्लिनिकल ट्रायल के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है जी, ड्रग मस्ट बी टेस्टेड इन ह्यूमन बिफोर जजमेंट। किसी भी जजमेंट को पास करने से पहले हाँ आप एनिमल के अंदर करें, बाकी सब के अंदर करें, सबसे एंड पे आप जब टेस्ट करेंगे ह्यूमन के अंदर उसके बाद आपने कोई जजमेंट पास करनी है। ये नहीं कि आप चूहे बिल्ली कुत्ते किसी दूसरे जानवर पे आप जो है वो टेस्ट पास कर लें और बाद में उसे ह्यूमन कम्युनिटी के अंदर जो है वो आप दे दें, ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, आप पहले जानवरों पर क्लिनिकल ट्रायल जरूर करें, उसके बाद इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल करें, उसके बाद कोई ना कोई जजमेंट अपनी पास करें। नेक्स्ट जी, इब्ने सीना जो है वो पैदा कहाँ पे हुआ? बुखारा के अंदर उज़्बेकिस्तान। और इब्ने सीना का भी दूसरा नाम आपको वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर मिलेगा, वो है एविसीना। तो जहां आपने एविसीना देखना है किसी भी बुक के अंदर जो फॉरेन की बुक हो तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि एविसीना एक्चुअली इब्ने सीना का ही दूसरा नाम है जी। इब्ने सीना वो पहला पर्सन है जिसने डिफरेंट साइकेट्रिक डिजीज के बारे में बताया। इससे पहले हमने थोड़ा बहुत इलाज थोड़ा बहुत देखा लेकिन डिजीज को एज ए होल डिस्क्राइब किया पहली दफा साइकेट्रिक डिजीज को वो इब्ने सीना ने किया। जैसे डिप्रेशन के बारे में डिटेल से बात, इंसोमिया के बारे में डिटेल से बात की, डिमेंटिया के बारे में, मैनिया के बारे में आपने डिटेल से बात की। इसके अलावा इन्होंने रिस्क फैक्टर क्लिनिकल ट्रायल के बताए और आइडिया दिया सिंड्रोम का, अर्ली कैंसर थेरेपी का आइडिया जो सारे का सारा इब्ने सीना ने दिया। और यही वो पहला पर्सन है जिसने स्टीम डिस्टिलेशन के अमल को डिस्क्राइब किया कम्प्लीटली। और इब्ने सीना ही वो पहला पर्सन है जिसने किसी भी डिजीज को डायग्नोज करने का तरीका बताया, यानी प्रॉपर पहली दफा जिसने अगर किसी ने डायग्नोज का तरीका बताया वो इब्ने सीना। आप स्पेसिफिक किस तरह किसी भी डिजीज पर पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी इब्ने जहर। इनका पूरा नाम है अबू मरवान अब्दुल मालिक बिन जहर। 1094 के अंदर ये पैदा हुए और 1162 के अंदर इनकी वफात हुई। इनका भी एक नाम है जो आपको फॉरेन बुक्स के अंदर मिलेगा, वो है जी एवनजोर। तो जहां पे एवनजोर आपके आप पढ़े आपको पता चलना चाहिए ये किन का नाम है। ये अबू मरवान अब्दुल मालिक बिन जहर जो कि मुस्लिम साइंटिस्ट हैं उनका ही दूसरा नाम है। ये अपने वक्त के बहुत मशहूर फिजिशियन थे, सर्जन थे, फार्मासिस्ट थे और अरब के मुस्लिम्स के अंदर जो है वो ये पैदा हुए सिविली के अंदर जो कि स्पेन का उस वक्त कैपिटल था। और अपनी पूरी जो है अर्ली एजुकेशन इन्होंने स्पेन में हासिल की, उसके बाद रिसर्च भी इन्होंने स्पेन में की। ये वो पहला पर्सन है जिसने डाइसेक्शन के बारे में बताया।
ऑटोप्सी के बारे में बताया कि किसी भी इंसान की या जानवर की डाइसेक्शन करनी है, उसके क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन सी परमिशन आपको लेनी चाहिए, किस किस बेस पे आपने अगर डाइसेक्शन कर रहे हैं तो वो एथिकल डाइसेक्शन है, अनएथिकल डाइसेक्शन क्या होती है, उसके बारे में सारा डिटेल इब्ने जहर ने पहली दफा बताया। इनकी जो सबसे मेजर वर्क है वो हमारे पास इनकी किताब है अल तसीर फी मुदव्वत वल तदबीर, यानी बुक ऑफ सिंप्लीफिकेशन कंसर्निंग द थेरेप्यूटिक्स एंड डाइट, और सर्जरी पे भी इन्होंने अपना वर्क लिखा, और आज के दौर के अंदर सर्जरी भी इनकी जो है वो बातें सारी हिस्ट्री के अंदर लिखी जाती है, मानी जाती है। यही वो पहले पर्सन थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल सर्जरी को डिस्क्राइब किया, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल सर्जरी भी कहते हैं। यही वो पहले पर्सन है जिन्होंने इनहेल्ड एनेस्थेटिक के बारे में बात की और उसके बारे में डिस्क्राइब किया, तो इसीलिए मॉडर्न एस्थोलॉजी के अंदर ये पायनियर के तौर पे इनका नाम आता है। इसके अलावा इन्होंने जिस फील्ड में काम किया और मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है इनका, वो है क्लिनिकल न्यूरो कैंसर रिप्रोडक्शन टॉक्सिकोलॉजी के अंदर इन्होंने बहुत काम किया अपना, और इन्होंने अर्ली फार्माकोपिया लिखी जो कि प्रिंट आउट हुई 1419 एडी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है इबन अल नफीस, जिनका पूरा नाम है अलाउद्दीन अबू अल हसन अली बिन अबी हजम अल करशी अल दमिश्की इब्ने अल नफीस, या सिंपल आप इबन अल नफीस भी कह सकते हैं। ये 1213 एडी के अंदर पैदा हुए और 1288 एडी के अंदर इनकी वफात हुई। अब यहाँ जो डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ देने का मकसद ये है कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं आपको एक तरतीब से लेके आ रहा हूँ। 700 एडी से शुरू किया है, 1288 एडी तक हम पहुंच चुके हैं। एक तरतीब के साथ जो भी साइंटिस्ट आया उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, हम तरतीब से पढ़ रहे हैं जी। तो ये अपने वक्त के बहुत बड़े फिजिशियन, फिजियोलॉजिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, ये दमिश्क सीरिया के अंदर पैदा हुए और बाद में ये इजिप्ट मूव कर गए और इन्होंने अपने रिसर्च जो सारी की इजिप्ट में जाके की। तो वो पहले पर्सन है इब्न अल नफीस जिन्होंने कैपिलरी सर्कुलेशन और कॉर्नरी सर्कुलेशन के बारे में पहली दफा बात की। इसके बाद ये वो पहले पर्सन है जिन्होंने पल्स रेट के बारे में लिखा कि पल्स रेट की डेफिनेशन क्या होता है, कितना होता है, और उसके बारे में अपनी पूरी जो है वो रिसर्च दी। और यही वो पहले पर्सन है जिन्होंने पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में लिखा। इन्होंने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में भी लिखा, जीआईटी सिस्टम के बारे में भी लिखा, जेनिटो यूरिनरी सिस्टम की भी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में लिखा, और तकरीबन 100 से ज्यादा ड्रग्स पे इन्होंने उनकी डेवलपमेंट के अंदर इनका बहुत बड़ा हाथ है। यह मुस्लिम कॉन्ट्रीब्यूशन गोल्डन ईरा के अंदर पहला जो लार्जेस्ट हॉस्पिटल बनाया गया वो 1285 के अंदर बनाया गया, जो कि इजिप्ट के अंदर बिल्ड किया गया, लार्जेस्ट पहला ही है। इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूं आपको कि एक हॉस्पिटल पहले बन चुका है, लार्जेस्ट हॉस्पिटल यही है, जिसको सुल्तान कालानूस अल मंसूर ने बनाया। इस हॉस्पिटल की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि सबको इलाज दिया करते थे फ्री में, जहां से मर्जी हो, वो मेल है, वो फीमेल है, वो उसकी जो मर्जी माइंडसेट है, उसका जो मर्जी अकीदा है, उसका जो मर्जी मजहब है, उसकी जितनी मर्जी मंथली इनकम है, वो चाहे वजीर का बेटा है, चाहे एक गरीब का बेटा है, तो वो सबको फ्री इलाज दिया करते थे सबको। तो ये सबसे बड़ी खूबी थी उस वक्त के हॉस्पिटल, जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल भी था और सबसे बड़ी खूबी भी थी। तो यहाँ पे गोल्डन ईरा हमारे पास खत्म हुआ, गोल्डन इरा भी खत्म हुआ और साथ में खिलाफत अब्बासिया का दौर भी खत्म हुआ। तो आए हम सिर्फ अभी गोल्डन इरा यानी मुस्लिम कॉन्ट्रीब्यूशन जो आज के लेक्चर में पढ़ के इसकी समरी पढ़ लेते हैं कि फार्मेसी कहां तक पहुंच चुकी है इस इरा के एंड होने तक। तो जो रिमार्केबल डेवलपमेंट हुई 18वें से 13वें सेंचुरी के अंदर, अभी हमने सारी की सारी पढ़ी, हुआ क्या कि ये लोग, क्योंकि बाद में यूरोप और दूसरी सल्तनतों पे इनकी हुकूमत रही मुसलमानों की, तो इनका सारे का सारा मेडिकल जो प्रैक्टिस थी या एजुकेशन, उसका इन्फ्लुएंस उस पर मौजूद है। यानी अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखें ना, इस हिस्ट्री के बाद जो यूरोप की हिस्ट्री है या इस हिस्ट्री से पहले यूरोप, उसमें जमीन आसमान का फर्क है, इससे पहले यानी मुसलमान हिस्ट्री से पहले जो यूरोप की हिस्ट्री है या दूसरे मुल्कों की हिस्ट्री है, उसमें बहुत ज्यादा मेजर काम नहीं आपको मिलेगा। लेकिन मुसलमानों की हिस्ट्री के बाद, मुसलमानों का इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन गोल्डन ईरा के बाद यूरोप के अंदर इनकी हुकूमत और दूसरे जो सिलसिले हैं उसके होने की वजह से, सारे का सारा जो मेडिकल प्रैक्टिस वहां पे यूरोप और दूसरे मुल्कों में हुई, उसके अंदर मुसलमानों की ये जो हिस्ट्री हम पढ़ चुके हैं, इसका बड़ा अच्छा इन्फ्लुएंस हुआ और उन्होंने इन बातों को अडॉप्ट करके इससे आगे चले वो, तो फिर ही आज के दौर में हम मॉडर्न साइंस तक पहुंच सके। तो अगर ये मुसलमानों की ये सारी कॉन्ट्रीब्यूशन ना होती, तो आज जो मॉडर्न फिजियोलॉजी, मॉडर्न एनाटॉमी, मॉडर्न पैथोलॉजी, मॉडर्न
फिजियोलॉजी। सबसे बड़ी अच्छी बात ये हो रही है कि आज के दौर में यानी 21वीं सदी के अंदर भी वेस्ट और मुसलमानों ने खुद भी रीडिस्कवर करना शुरू कर दिया है, इस हिस्ट्री को दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया, इसके बारे में ढूंढना शुरू कर दिया है, इसीलिए हमारे सिलेबस में भी शामिल की गई है। तो हिस्ट्री के बारे में आपको पता हो कि कौन सी चीज कहां पे आई और किसने पहली दफा डिस्क्राइब की डिजीज। टू सब्सक्राइब माय चैनल प्रेस बेल आइकन टू गेट मोर लेटेस्ट वीडियोस फ्रॉम मी, शेयर विद आवर स्टूडेंट फैमिली ऑफ फार्मेसी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।